बताने गए कुछ ऐसे ख्याल में भी नहीं था, घर में भी मैंने चेक नहीं किया था, क्योंकि आप सबको पता है कि लास्ट टाइम होप भी थी जब मैंने आपको शेयर किया था, तब इतने बार चेक किया था और हमेशा डिसअपॉइंटमेंट थी, तो इस बार मैंने चेक भी नहीं किया कि फिर से वही प्रॉब्लम होगी। जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि कि आप प्रेग्नेंट हो और हार्ट बीट भी आ चुकी है, तो सनी भी नहीं थे यहाँ पे, अम्मी के साथ गई थी, आके बताया, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, अल्लाह का शुक्र, खुश हो गए थे सब लोग। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मतलब सब कुछ ठीक है, मतलब होप ही नहीं थी हार्मोनल इम्बेलेंस और PCOS के बाद कि ये, बस हम इस चीज़ की दुआ करते थे, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा, ट्रीटमेंट लगेगा, PCOD जिनको होता है हो जाते हैं, और हम सारे लोग दुआ भी करके आए थे, उम्र में भी, और सब लोग दुआ करते थे, सबके लिए दुआ करी, लेकिन होप इतनी नहीं थी इसलिए चेक भी नहीं किया था। और कितना 6 वीक्स हो चुके थे, डॉक्टर ने बोला कि आप 6 वीक्स प्रेगनेंट हो और हार्ट बीट भी आ गई है। तो हुआ कि ईद के चांदात के और ईद के आसपास की जो बात है, काफ़ी लोग कह रहे थे सब तैयार क्यों नहीं हुई है, सबको अपने अपने हिसाब से अंदाजे लगा रहे थे। तो बात ये थी कि कोई भी इंसान है, जो लोग माँ बने होंगे रिलेट करते, आपको पता चलता है कि अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी खुशी दे दी है, आप सब कुछ अच्छा है, खुश हो, उस चीज़ को अभी मतलब इन्जॉय भी नहीं कर पाए थे, सही आ भी नहीं पाए थे, और उससे पहले ब्रीदिंग चालू होती है, पहले थोड़ी, तो डॉक्टर ने नहीं, अभी भी मतलब सब कुछ ऐसे ठीक है, बेबी ठीक है, लेकिन जो लास्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।